to another edition of Thunderdome. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नॉर्मली मैं थोड़ा हेजिटेंट होता हूँ एक ऐसे सिंगुलरली एपिक चीज़ का प्रीक्वल देखने के लिए, जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड, स्पेशली एक ऐसा प्रीक्वल जो मैड मैक्स को इंक्लूड भी नहीं करता। लेकिन जब अनाउंस किया गया कि मैड मैक्स के क्रिएटर और मास्टरमाइंड जॉर्ज मिलर वापस आ रहे हैं एज अ को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, तो मेरे डाउट्स गायब हो गए। और इम्पेरेटर फ्यूरियोसा जैसे डायनेमिक कैरेक्टर का बैक स्टोरी देखने के लिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। इंटरेस्टिंगली फ्यूरियोसा में मुझे जितनी वर्ल्ड बिल्डिंग की उम्मीद थी उससे भी कई ज़्यादा देखने को मिली है। मिलर और उनके को राइटर्स ने वेस्टलैंड को और भी टेक्सचर देने में बहुत मेहनत की है। वो की प्लेयर्स को सेटअप करने और उनके बीच की टेंशन को डिवेलप करने में काफ़ी समय बिताते हैं, जिसे हमारी हीरोइन को नेविगेट करना पड़ेगा। इसका नतीजा ये होता है कि फ्यूरियोसा उतनी प्रोपल्सिव नहीं है जितनी फ्यूरी रोड थी, और एक्शन मूवी को ड्राइव नहीं करता जैसे पहले मैड मैक्स फिल्म्स में दिखाया गया है। फिर भी स्टोरी टेलिंग की डेप्थ आपको सरप्राइज कर सकती है। ऑफकोर्स हमें एक्सेलरेटिंग व्हीकुलर मेयम और रॉ चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए ये फ्रेंचाइज जानी जाती है। कहानी की बात करूँ तो ये तबाही के 45 साल बाद की स्टोरी है, जिसमें नन्ही बच्ची फ्यूरियोसा, जिसे अपने परिवार से अलग कर दिया गया, जो कि अपनी ज़िंदगी घर वापस लौटने में लगा देती है, यही उसका लक्ष्य है और यही ये फिल्म हमें दिखाना चाहती है। ओवरऑल फ्यूरियोसा एक स्टाइलिश इमर्सिव सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है जो जॉर्ज मिलर के मेनिक विज़न को डिलाइटफुली डिमेंटेड ग्लोरी में रिप्रेजेंट करता है। मिलर अपनी दुनिया को वाइल्ड एजोर्टमेंट के कैरेक्टर से फिल करते हैं, जो गोंजो नेम्स जैसे द पीपल ईटर, रिक्टस इरेक्टस, टोइजेम और ऑर्गेनिक मैकेनिक के साथ आते हैं। बहुत से कैरेक्टर्स नए हैं, जबकि कुछ फ्यूरी रोड से फेथफुल्स को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो सब मिलर की दुनिया में सीमलेसली फिट हो जाते हैं, जैसे सैंड, रस्ट और ब्लड। लेकिन सबसे ज़्यादा साइन करते हैं टायलर जॉय और हेम्सवर्थ। टायलर जॉय को ज़्यादा डायलॉग्स नहीं दिया गया है और मेरे अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत भी नहीं थी अपने कैरेक्टर की पेंट अप रेज और उसकी डिटर्मिनेशन को कन्वे करने के लिए। फिर हेम्सवर्थ हैं, जो कॉमिकल और सिनिस्टर को फ्यूज़ करते हैं एक ऐसे परफॉर्मेंस में जो मेरे फेवरेट हैं 40 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन से। एक मिनट आप हेम्सवर्थ को अपने मोटरसाइकिल चैरियट के रीन स्नैप करते हुए चकल करेंगे, और अगले ही मिनट आप एक आदमी को जिंदा जलते हुए या एक चैन पर लटकती हुई कटे हाथ को देखने के लिए विंस करेंगे। क्या ही कहूँ मैं, और बस यही कहूँगा, वेलकम टू द वेस्टलैंड फ्यूरियोसा और मैड मैक्स सागा। जाइए और इसे एंजॉय कीजिए। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।